तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ यार, तो क्या है ना, जो मेरा फोन का स्पेस जो है फुल हो चुका है, और अभी हम सोच रहे हैं जो वो मेमोरी कार्ड ले 64 GB का, तो इसीलिए एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद पहले वो ब्लॉग बना लेते हैं, फिर उसको डाल देते हैं, फिर उसको डिलीट कर देते हैं, तब स्पेस आता है, तब फिर दोबारा शूट करते हैं। तो इसीलिए वीक में एक या दो वीडियो आता है, वो भी नहीं आ पाता है। तो हम लोग निकल चुके हैं एक और नए सफर की ओर। आप पीछे देख सकते हैं अपने ग्राउंड से जितने लोग हैं सब लोग जा रहे हैं। अब कौन सी जगह जा रहे हैं वो आपको वीडियो में पता चलेगा। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे जो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, अभी कुछ लोग पीछे हैं और कुछ लोग आगे भी हैं, तो चलिए देखते हैं। विक्रमपुर फाइनली उस जगह पहुंचने ही वाले हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ कितना पानी लगा हुआ है, और हमारे साथ सुमन है। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या हम लोग जा रहे हैं, साइकिल लेके आएंगे। यस। और जीत हमारी होगी। हाँ होगी। यस। चलिए देखते हैं क्या है नजारा आगे का, और रोड का सीन तो आप देख ही सकते हैं कितना पानी लगा है दोनों तरफ, खाली पानी ही पानी है। और ऐसा लग रहा है जो ग्राउंड में नहीं रोड पे ही दौड़ना पड़ेगा 1600 मीटर। देखिए जो कितना पानी है गाइज, अभी जूता मेरा गीला हो चुका है। पूरा पानी में गिर गए थे हम तो, जूता पूरा डूब गया हमारा, अब क्या करे भाई। पूरा रोड उड पूरा डूब चुका है। एक तरह से ये पूरा सुनसान रास्ता है, एक भी घर द्वार नहीं है इधर, पूरा चौर ही है। और मेरा चैन साइड ढीला हो चुका है, साइकिल का चैन यार, बार बार उतर रहा है, दो बार चढ़ा लिए हैं अभी तक, मैं बहुत पीछे हो गया हूँ। कोई नहीं, घूमने लायक ना बहुत ही अच्छा जगह है, खास के बाइक से, साइकिल आर से नहीं, और अकेले बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा इलाका शांत है, सुनसान एरिया है, तो इसीलिए अकेले नहीं। एक तरह से लग रहा है जो मैं झारखंड में आ चुका हूँ। उधर एकदम नज़ारा एकदम पहाड़ की तरह दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं लंबे लंबे,
काफी गजब का नजारा है यार। तो चैनल पे नए हैं जो लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए यार। बहुत करीब है 1000 के, बहुत ज्यादा करीब है 1000 के। तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करो यार। हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब करो। अरे नहीं, अपने ही ग्राउंड के नीतीश जो कि यहाँ पे कौन सा बैच था, बी बैच, दूसरा बैच में, दूसरा बैच में ये चार नंबर पे रहे हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं, जितवारपुर में नहीं निकाल पाए थे लेकिन यहाँ निकाल लिए, बहुत ही बढ़िया हुआ। और विजय हैं जो कि वो भी निकाले हैं, अपने ही ग्राउंड के हैं। और अभी भी दो बैच बचा हुआ है, देखना है जब, और विक्रम भी साथ में है, वो भी देखेंगे क्या होता है। ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। अगर आपको दौड़ का पूरा वीडियो देखना है तो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं, पिंटू देवराज मेरा फेसबुक आईडी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पर चले जाएंगे। विराज, अंकित, अंकित गौतम, रानो, विक्रम टू, रविकांत नहीं है, रविकांत कौन है? तो अभी तक पूरा चार को जो बैच था वो पूरा दौड़ गए हैं। अब जो है फाइनल बैच जो होगा 800 मीटर का वो होगा अभी। और सब लोगों ने अभी नाश्ता किया है, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट है, उसके बाद फिर फाइनल राउंड दौड़ा जाएगा। और उसमें जो टॉप 10 या टॉप 50 जो निकलेंगे उनको प्राइज दिया जाएगा। और अभी मैं आया हूँ एक ऐसी जगह, मतलब क्या बताएं, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। मतलब एक तरह से पुल है, काफ़ी देखने का, मतलब देखने लायक जगह है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। अभी फोटो शूट करेंगे वहाँ पे और फिर चलेंगे वहाँ पे, देखते हैं कौन विजेता आता है। और अपने ग्राउंड से जो हैं 6 लड़के निकले हैं, जिसमें विक्रम, विजय और नीतीश, इनको तो जानता हूँ, और एक कालू है, उनको मैं नहीं जानता हूँ। मतलब कुल 6 लड़के निकले हैं अपने ग्राउंड से। और अंतिम राउंड जो है, जो शंभू जिसमें दौड़ा था, वो क्या कहते हैं, उस राउंड में है, टॉप 10 ही को ली, टॉप 10 को ही लिया गया था, और सारे बैच में टॉप 50 को लिया गया था, 50। तो इसलिए शंभू नहीं निकल पाया, कोई नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं, एक देखिए काफ़ी गजब का नज़ारा है ये पुल जो है। अभी फ़ोटो शूट उट करेंगे, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं नीचे पानी है बहुत ज़्यादा। और ये जो है जगह है, ये विक्रमपुर वरुणा का सेकंड पुल जो है इस तरफ, वहाँ पे है अभी। ये बहुत पूरा पुल ही है अभी, बहुत थोड़ा। हाँ, we'll be right back.
अब सब लोग अपने अपने घर जाते हुए और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। तो 1600 मीटर में विक्रमार जो क्वालिफाई हुए थे वो क्या कहते हैं एक ही राउंड दौड़े थे, शायद 500 मीटर का था, तो उसमें वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। लेकिन विजय जो हैं, जो क्या कहते हैं जितवारपुर फील्ड में आपने देखा होगा वीडियो, उसमें जो सेकंड आए थे वो निकले हैं, 13 नंबर पे थे वो, मतलब अंतिम में जो है टॉप 15 को लिया जा रहा था। तो हमारे ग्राउंड से जो है एक ही लड़का सेलेक्ट हुआ है। और अभी हम लोग अब जाते हुए अपने अपने घर, बहुत भूख लग गया है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। और चैनल पे जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1000 के बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा। और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, लाइक। कहाँ घर है तोरार का? बछवारा से ये लोग आए हैं और यहाँ पे अब जा रहे हैं घर की ओर।